प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज फ्रांस से जर्मनी के लिए रवाना होंगे। मोदी हैनोवर में व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। तो अपने फ्रांस का दौरा खत्म करके आज जर्मनी के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे और जर्मनी में दो दिन रहने के बाद फिर वो जर्मनी से कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। आज मोदी हैनोवर में व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे और आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:05 में उनका जर्मनी पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात करेंगे, वहां पर भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, भारतीय छात्रों से उनकी मुलाकात होनी है। साथ ही साथ जो जर्मनी के बड़े उद्योग घराने हैं उनसे भी मुलाकात होगी, उनको भारत में निवेश करने के लिए बात करेंगे, एक माहौल की बात करेंगे कि क्या परिवर्तन पिछले सरकारों के दौरान और अब की सरकारों के दौरान आया है। तो कई सारे कार्यक्रम हैं, व्यस्त कार्यक्रम है आज जैसे ही वो जर्मनी पहुंचेंगे, उसके बाद उनका एक के बाद एक लगातार कई कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है। चलिए आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज कार्यक्रम जर्मनी में क्या कुछ है। आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3:05 पर वो हैनोवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 3:30 होटल मैरीटाइम जाएंगे, 5:00 मैरीटाइम ग्रैंड में ही भारतीय कंपनियों के सीईओ के साथ उनकी बैठक है, 7:50 में वो भारतीय छात्रों से मुलाकात करेंगे, 8:15 में हैनोवर के सिटी हॉल में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, 9:30 हैनोवर कांग्रेस सेंटर में हैनोवर मेस औद्योगिक मेले में के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और एंजेला मर्केल इंडो जर्मन समिट को संबोधित करेंगे और 11:00 जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल के साथ उनका डिनर कार्यक्रम है।